वेलकम टू शॉर्ट हैंड विद्यालय। ये डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की रहेगी और 10 मिनट की है, ठीक है। आप लोग इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं मिला या आप लोग अभी हमसे नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आज का डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी स्टार्ट। महोदय, चुनाव प्रचार के दौरान किए गए अपने वायदे के अनुसार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद युवा मुख्यमंत्री पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए नकल विरोधी कानून को वापस ले लिया और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक की परीक्षाओं में नकल करते पकड़े जाने के अपराध में 2 साल से अधर में लटक रहे हजारों छात्र छात्राओं की शिक्षण प्रक्रिया में पैदा हुई अनिश्चितता समाप्त हो गई। उनके रोके गए परीक्षा फल अब घोषित कर दिए जाएंगे और तदनुसार वे अपनी शिक्षा का क्रम आगे चालू कर सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर एक वर्ग ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया है तो दूसरे ने राहत की सांस ली है और वर्तमान सत्ताधारी गठबंधन ने अपने वायदे को समय से पूरा करने का गौरव अनुभव किया है। सत्ताकांक्षी सभी अपने चुनाव अभियान के दौरान जनता के दरबार में तरह तरह के वायदे पूरा करने की बात करते हैं, जो उनके लिए स्वाभाविक ही होता है, लेकिन कितने वायदे पूरे होते हैं यह हम सब जानते हैं। अधिकांश वायदे तो टाले जाते हैं, कुछ को पूरा करने की कोशिश होती भी है तो उनका क्रियान्वयन नौकरीशाही के जाल में उलझ जाता है। हाँ, कुछ वायदे ऐसे होते हैं जो राजनीतिक दृष्टि से तुरंत और बिना जोखिम उठाए नेता और दल को लोकप्रिय बनाने वाले, लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। उन्हें आनन-फानन लागू करने से नेता नहीं चूकते। परीक्षा में नकल को संज्ञेय अपराध घोषित करने वाले कानून को वापस लेने का मुख्यमंत्री का निर्णय उसी श्रेणी में गिना जा रहा है, तो क्या जैसा कि इस कदम के विरोध में कहा जा रहा है नकल विरोधी कानून की वापसी से शिक्षा में कबाड़ा हो जाएगा, या जैसा कि इसके समर्थन में कहा जा रहा है छात्र छात्राओं की पढ़ाई में 4 चांद लग जाएंगे, क्या परीक्षा में नकल ही शिक्षा की मूल समस्या है और इसे कड़ाई से रोकने या इसके प्रति मुलायमियत रखने से यह सवाल हल हो जाएगा। शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं को नज़दीक से जानने वाला, शिक्षा के उद्देश्यों आदेशों के बारे में बुनियादी सोच रखने वाला कोई भी व्यक्ति शायद ही परीक्षा में नकल की समस्या को शिक्षा की मूल समस्या मानेगा। महोदय, वास्तव में हो यह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद से ही हम शिक्षा की मूल समस्याओं से आंखें चुराते हैं और कुछ सतही समाधान तलाशते फिर रहे हैं। शिक्षा की मूल समस्या परीक्षा में नकल नहीं, आज की परीक्षा पद्धति स्वयं है, शिक्षा पद्धति स्वयं है। यह हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक भयंकर अंतर विरोध है कि स्वतंत्र भारत में गुलामी की शिक्षा अखंड रूप से चलती जा रही है और लॉर्ड मैकाले कुल के सभी शिक्षाविद गुलामी का ढांचा कायम रखने बल्कि उसे निरंतर पोषित और परिपुष्ट करते रहने की कोशिश में जुटे हुए हैं। एक बना हुआ दायरा है जिसमें यदा कदा कुछ सतही जोड़ तोड़ होती है और समस्याएं बुनियादी तौर पर वहीं की वहीं बनी रहती हैं। शिक्षा की मूल समस्या यह है कि वह हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन से विमुख है। वह हमारी समस्याओं का समाधान नहीं प्रस्तुत करती बल्कि स्वयं समस्या बनी हुई है। 18, 21 और 25 वर्ष, कुछ मामलों में 30 वर्ष तक छात्र छात्राओं के सर्वोत्तम वर्ष जिस शिक्षा को प्राप्त करने में बीत जाते हैं उसकी उपलब्धि के रूप में उन्हें प्राप्त होता है प्रमाण पत्र का एक कागजी टुकड़ा जिसे लेकर नौकरी की तलाश में उन्हें भटकना होता है और वर्षों भटकने के बाद यदि वर्तमान व्यवस्था के पुर्जे के रूप में उन्हें कहीं फिट हो जाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है तो समाज में एक और परोपजीवी की वृद्धि हो जाती है। यदि किसी में कुछ सुसंस्कार बचे रहे इस शिक्षा के बावजूद भी तो शायद एक नेक इंसान बने रहने की नौकरी ईमानदारी पूर्वक करने की कुछ कोशिश होती है, अन्यथा तो परीक्षा पास करने का ब्याज सही दाम ही वसूला जाता है सरकार से, समाज से, क्योंकि जिस नीति को धर्म कहते हैं उसे जीवन का आधार बनाए रखकर जीने का आत्मबल तो आज की शिक्षा देती नहीं। उत्पादक सर्जक बनकर जीवन, समाज और राष्ट्र का निर्माण करने की क्षमता पैदा करती नहीं और स्वयं को खतरे में डालकर
एक गतिशील नागरिक बनने, गुलामी के जीवन मूल्यों को तोड़कर एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक समतामूलक मानवीय व्यवस्था बनाने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा और पुरुषार्थ भी यह शिक्षा जगाती है। तब हम इसकी यथापूर्व स्थिति कायम रखते हुए इसके दुष्परिणामों को रोकने की सतही कोशिश से क्या हासिल कर पाएंगे। महोदय, आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राजा महाराजाओं के हाथ में बड़ी संपत्तियां हैं। इन सारे लोगों से जमीन जबरदस्ती ले लिया जाए, भूमिधारियों से जमीन ले लिया जाए, जब तक खेती किसानों के हाथ में नहीं जाएगी, गरीबों के हाथ में नहीं जाएगी, काम करने वाले के हाथ में नहीं जाएगी, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ नारे जो भी दिए जाएं वे पूरे नहीं हो सकते, खेती का विकास नहीं हो सकता। इसलिए सबसे आवश्यक है कि सरकार ऐसा कानून बनाए कि जो सही अर्थों में खेतों में काम करना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, हल जोतना जानते हैं, संसद में इतने लोग बैठे हैं, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि सारे लोग नारे लगाते हैं लेकिन ऐसा कानून नहीं बनाते हैं कि सारी ज़मीन सरकार की मान ली जाए और सरकारी ज़मीन मानकर उसको निजी संपत्ति न माना जाए, सरकार के हाथों में ज़मीन चली जाए, सहकारी फार्म के रूप में उसका प्रयोग किया जाए, तभी इससे लाभ हो सकता है। मेरा निवेदन है कि हमारे देश के किसान को प्रशिक्षण देकर सिखाया पढ़ाया जाए ताकि वे जान सकें कि दूसरे देशों में जैसे विकास हो रहा है वैसे हमारे देश में भी हो। हमारे देश के आदमी जो बाहर जाते हैं या जो नेता बाहर जाते हैं या दूसरे लोग बाहर जाते हैं, किसान का बेटा कभी चीन नहीं जाता, रूस नहीं जाता, दूसरे देशों में कैसे वैज्ञानिक तकनीक बढ़ती जा रही है किसान का बेटा इसको नहीं जान पा रहा है। मेरा निवेदन है कि किसान का बेटा जब तक विदेशों में जाकर वैज्ञानिक तकनीक प्राप्त नहीं करेगा, जान नहीं पाएगा, तब तक कृषि का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें मौलिक परिवर्तन होना चाहिए। अगर मौलिक परिवर्तन हो जाए तो हमारे देश के लोग कृषि का उत्पादन निर्यात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ के किसान बहुत मेहनती हैं। मैं कुछ बातें जल संसाधन मंत्रालय के बारे में भी कहना चाहता हूँ। हमारे देश में इतने वर्षों की स्वतंत्रता के बाद पीने का पानी नहीं मिल पाया है। मैं अभी मध्य प्रदेश गया था, वहाँ मैंने देखा कि तीन तीन चार चार मील की दूरी से औरतें पानी लाती हैं। 55 वर्ष स्वतंत्रता के बाद यह बड़े शर्म की बात है। महोदय, मेरी मांग है कि जब तक पीने का पानी गांव में न पहुंच जाए और देश के सभी लोगों को पानी उपलब्ध न हो, तब तक विलासी जीवन के लिए इन फव्वारों और जलाशयों का निर्माण नहीं किया जाए, ये बंद होने चाहिए। दूसरे देशों में भी नदियां बहती हैं लेकिन वहां पर बड़ी बड़ी नदियों के बहाव को रोक दिया गया है, परंतु हमारे देश में मामूली नहरें भी नहीं बनाई जा सकती हैं। इसलिए जब तक बुनियादी और मौलिक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक न जल संसाधन का विकास होगा और न ही कृषि का विकास होगा। इसलिए कृषि और जल संसाधन जो हमारे देश की दो बड़ी संपत्तियां हैं, इन दोनों संसाधनों पर हमारे देश में क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिए ताकि हमारे देश में इन दोनों संसाधनों की शक्तियां तेजी से बढ़ सके और हमारे देश का विकास हो सके। मुझे यह अवसर प्रदान करने का बहुत बहुत धन्यवाद। जनमोर्चा सरकार का सबसे पहला बजट जाने माने समाजवादी और माननीय मंत्री ने प्रस्तुत किया, किंतु कृषि विभाग और अन्य विभागों में भी बजट मधु और फिर दंड है। माता पिता अपने बच्चों को दंड देकर जबरदस्ती कड़वी गोलियां या कड़वे स्वाद वाली दवाइयां पिलाते हैं, किंतु ऐसा पहली बार हुआ है कि बच्चों देश के नागरिकों को जबरदस्ती पीटकर शहद पिलाया गया है। यह मार इतनी दर्दनाक है कि वे शहद की दो अथवा तीन बूंदों को स्वीकार करने से घबराते हैं। इस बजट को जो सबसे अच्छा विशेषण दिया जा सकता है वह मेरे विचार में है
की फंस गए। उनके भाषण के आरंभिक शब्द मुझे आज भी याद हैं। करीब 100 दिन पहले राजनैतिक परिवर्तन की एक लहर आई थी जो एकदम अब्राहम लिंकन के भाषण के समान है कि 27 साल पहले हमारे पूर्वज देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि यह बजट स्पष्टता समाजवादी हस्तक्षेपवादी है। वह वैसा है जैसे पैट्रियट ने कहा है, दंडवते की दुविधा, किसानों को इनाम की आशा थी किंतु यह इनाम उनके लिए कुछ ज़्यादा ही भारी है जिसे वे सहन नहीं कर सकते। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं बहुत जटिल हैं। हम माननीय और प्रबुद्ध विपक्षी सदस्य की सद्भावना की प्रशंसा करते हैं किंतु उनकी आशाओं को पूरा करने के लिए भाग्य और हिम्मत की आवश्यकता है। स्टॉप।